हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मी टू मूवमेंट चालू है बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, हर जगह मी टू मूवमेंट फैल चुका है। इवन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी मी टू मूवमेंट फैल चुका है। मेरी पर्सनल राय क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात आपको ये बताओ, जब किसी के ऊपर कुछ अत्याचार होता है, कुछ जुल्म होता है, तो ज्यादातर लोग इसलिए शांत रह जाते हैं कि वो सोचते हैं कि यार वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत आम इंसान है, और इन बड़े लोगों के सामने आखिर क्या हो पाया होगा, या क्या मतलब उनको 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 कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं है। जैसे कि कई सारे केसेस बॉलीवुड में अभी ऐसे सुनने में आए हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है, उसमें डायरेक्टर्स शामिल है, प्रोड्यूसर शामिल है, बड़े बड़े एक्टर्स शामिल है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े बड़े नाम शामिल है तो इनको कौन क्या कर सकता है, लाइक इनका इनका मतलब इनके साथ क्या आखिर हो सकता है। ये तो यार सी बात है, जैसे तनुश्री दत्ता केस ले ले, 10 साल पहले भी केस रजिस्टर्ड हुआ था, राइट। तो यार ये सब केसेस में कैसा होता है कि यार बहुत सारी चीजें ना प्रेशराइज भी बहुत ज्यादा होते हैं, हर तरह से दबाव होता है हर किसी पर। तो इन सब केसेस में हमेशा यही देखा गया था कि चुप्पी रहती थी, चाहे मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रही एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, जो भी हो, चुप्पी रहती थी, चुपचाप रहते, सब जो भी होता था चुप रह के काम करते थे। लेकिन अब पहली बार मैंने खुद नोटिस किया है इतने सालों में कि अब लोग ओपन होने लगे हैं, अपने ऊपर बीते अत्याचारों के ऊपर लोग अपनी राय देते नजर आ रहे हैं, चाहे तनुश्री दत्ता हो, चाहे इसके अलावा दो तीन एक्टर्स जो हमने देखे आलोक नाथ के केस में वो हो। और ये सब चीजें जब मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ उनके साथ क्या क्या बीती है, जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार उनकी बातें सच है झूठ है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ना तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग कि येस थिंग्स आर ओपनिंग अप और लोगों को इसी तरह से ओपन होना चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री में हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इस तरह की, और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आप अगर देखो आमिर खान हो, ऋतिक रोशन, अजय देवगन ने भी हाल ही में, हर किसी एक्टर ने, अक्षय कुमार ने भी हाल ही में, सभी ने कहा है कि जिसके भी प्रोडक्शन हाउस है, इमरान हाशमी ने भी कहा है कि जो जो प्रोडक्शन हाउस हमारे यानी कि जिनके भी है, हर कोई एक सेफ एनवायरमेंट चाहता है अब। और प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक कमेटी बना दी है कि इस तरह की छेड़खानी का जो मसला होगा उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और कहीं ना कहीं जो जो अभी तक फिलहाल इन्वॉल्व है सबको फिलहाल लगभग लगभग उनके हाथ से अब काम नहीं मिलेगा, उनको बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत किया है। और जो जो केसेस हमने देखे 20 साल पुराने केस, एलिगेशन के, मोलेस्टेशन के, 10 साल पुराने केस, 7 साल पुराने केस, ये सब जो खुद को ऐसे डायरेक्टर्स या ऐसे प्रोड्यूसर जो खुद को बहुत ही पाक या खुद को बहुत ही बहुत अच्छा कहलाते नजर आए थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, राइट। अभी कहां गए, अभी शांत है सब, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के पास आंसर नहीं है। चाहे रजत कपूर हो, कितने सारे एक्टर्स के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे, लेकिन यहाँ पर साफ एक चीज है कि अब जो आवाज खुली है लोगों की, खास करके महिलाओं की, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा फैलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और आई थिंक ये असल मायने में जो नवरात्रि है, ये सही में नवरात्रि है, जो महिला की पूजा होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कदर होनी चाहिए, जो 7 दिन सॉरी जो 9 दिन लोग करते हैं, वो हर साल, हर पल, हर वक्त होनी चाहिए। और इसलिए मैं मीटू मूवमेंट का सपोर्ट करता हूँ पूरी तरह से, और एक जर्नलिस्ट की भी कई सारी आप भी थी, आपने देखो कैसे जर्नलिस्ट ने भी इल्जाम लगाया इन डायरेक्टर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, तो आप सोच सकते हैं जर्नलिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, खास करके एक फीमेल जर्नलिस्ट की लाइफ। इसलिए अगर आप देखोगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर फीमेल रिपोर्टर्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही कम रहती है, बहुत दिक्कतें होती है, हर तरह के इश्यूज होते हैं, राइट। तो ये नहीं कह रहा कि हर इंडस्ट्री अच्छी है या यही इंडस्ट्री बुरी, ऐसा नहीं, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ बोलते ना बुरे लोग हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो हमेशा अगर आपके साथ गड़बड़ हुआ है उसके ऊपर ओपन होना सीखिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, राइट, है ना। दबा के मत रखिए, ओपन कीजिए जो भी आप फेस कर रहे हैं। तो आई सपोर्ट मी टू मूवमेंट, और मैं चाहता हूं ये जो जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सपोर्ट करें, और जैसे भी हो, जिसका भी प्रॉब्लम्स हो, हर कोई अपनी तरह से शेयर कर सकता है, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है, वीडियो बना के डाल सकता है सोशल मीडिया पर। तो कैसा होगा कि जब तक ये चीजें पब्लिक के डोमेन में नहीं जाएगी तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि खबर आई कि आई थिंक मेनका गांधी ने एक कमिटी बनाई है कोर्ट की, एकदम मतलब ये सब मीटू मूवमेंट पर जो भी केसेस है उनको देखने के लिए, जो सीनियर जजेस है, जो रिटायर्ड जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे, और जिस तरह के जो भी मीटू वाले केसेस आएंगे ना, सेक्सुअल हेरसमेंट या मोलेस्टेशन की, उस पर कार्रवाई करेंगे फटाफट। ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि अगर लोगों ने ठान ली, अगर सब एक साथ उठ के ये जो 5 उंगलियां मुट्ठी बन गई
तो यार अच्छे से अच्छे जो बड़े से बड़े लोग हैं बेकार लोग उनको धराशायी किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।